आज मैं आपको एक बहुत दिलचस्प शख्सियत से मिलवाने जा रही हूँ। इंडिया के पहली सक्सेसफुल ट्रांस मॉडल के रूप में उनकी पहचान है। बहुत बहुत स्वागत है खुशी आपका बैठकी में। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। जब पैदा हुई तो आपकी माँ आपसे बहुत प्यार करती थी और वो डर गई कि भाई कोई उठा कर ना ले जाए। ऐसी बन रही थी तभी मेरे आसपास के जितने भी लोग थे उन्होंने मेरी मम्मी से बात करना बंद कर दिया था। क्यों? इसलिए बात करना बंद क्योंकि इनके घर में एक हिचड़ा रहता है, चक्का रहता है। अगर इसके बच्चे, हमारे बच्चे इनके घर जाएंगे या इनके इसके साथ खेलेंगे तो वो भी ऐसे बन जाएंगे। मेरे डैडी की सगी बहन मेरी मम्मी से बात नहीं करती थी। आज वो मम्मी से आके पूछते उसको बुलाओ, एक फोटो तो निकालनी है। स्कूल में बच्चों का कैसा रिएक्शन होता था? टीचर थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, मैथ्स टीचर थे, बड़े बदतमीज थे। उनका जो मेरी तरफ अट्रैक्शन था वो कुछ अलग था। वो यूज टू चॉक लेके वो मेरी दो उंगली के बीच में ऐसा प्रेस करने की कोशिश करते थे। आपको पहली बार कब पता चला कि ना मैं लड़का हूँ ना मैं लड़की हूँ? फील हो गया था कि मतलब कि मैं इनके बीच का हिस्सा नहीं हूँ। तो एक दिन मैंने माँ से पूछी कि मम्मी इस दुनिया में मैं ऐसी अकेली हूँ कि और भी लोग हैं? तो वो कुछ बोली नहीं। अभी हाल के बीते दिनों में हम लोगों ने देखा है कि एक ट्रेंड है, जो भी हम सीरीज या फिर फिल्में देखते हैं वो LGBTQ कम्युनिटी पर बन रही हैं, उनको फोकस में रख के। कुछ लोगों ने ये भी बोला कि आपकी कम्युनिटी से कि हम लोगों को क्यों नहीं लिया जा रहा है, हम खुद वो रोल प्ले कर सकते हैं। बिल्कुल सही बोला है जिसने भी बोला है। जितने टैलेंटेड जो ट्रांस है जो हमारे कम्युनिटी से है और मेरे साथ के जितने भी कलीग्स जो मेरे फ्रेंड्स है वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। अगर एक चांस किसी ट्रांस एक्ट्रेस को दे दिया जाए तो वो बहुत बहुत अच्छी बात होगी क्योंकि एक मौका मिलना जरूर चाहिए। ढाबे पे कैसे पहुंची, वो कहानी क्या है? जैसे मैं समाज में कनेक्ट हो चुकी थी दूसरे तीसरे लोगों के साथ में, तो मैंने वो लंबी लाइन देखी थी ट्रक की, मार वो ट्रक की लाइन में बिल्कुल पूरी पूरी यहाँ से लेके लास्ट तक में पूरा मंगती थी, पूरा रात भर वो बुला के पूछते थे असली है नकली है, दिखा एक बार, अंदर आ जा, एक रुपये क्या मंग रही, 50 रुपये देता हूँ, अंदर आ जा। कैसे अनुभव थे वो? तो आपने कभी सेक्स चेंज ऑपरेशन करवाया? हाँ मैंने करवाया। कैसा अनुभव था वो, उसके बारे में जरा विस्तार से बताइए, और क्यों करवाया क्या? लेकिन मैंने एज ए बॉय टू फीमेल वाला नहीं करवाया था, मैं ट्रांसजेंडर टू फीमेल बनने की बड़ी अरमान हुए थे मेरे। आपको प्यार हुआ था? जी बिल्कुल मुझे प्यार हुआ था एक बार, जो कि नहीं होना चाहिए था, और उसने भी काफ़ी ऐसे सपने सजाए, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तुम मेरी वाइफ हो। फिर मैंने अपने आप को सोचा कि नहीं मुझे चेंज करना पड़ेगा, ये मुझे इतना बोल रहा है। उसने मुझे वो ऑपरेशन की सेज पे ही छोड़ के चला गया, मतलब वो उस दिन से कभी मुझे दिखा नहीं।